ये देखो, ये बिना नहाए हुए लड़कियां देखो कैसी लगती है, देख लो। ये सुबह होते ही लग गई तुम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है सभी के? तो भाई ये नजारा देख लो, ये मतलब 25वां फ्लोर है, ये नीचे देखना। और मैंने तो डर लग रहा है, आईफोन 13 प्रो नया लिया, अभी गिर ना जावे। यहाँ पर हम मतलब रात को रुक गए थे, ये भाइयों का फ्लैट था, इनके पास ही रुके थे। इधर भी जाते तो भाई काफ़ी लेट हो गए थे, 3-4 बज गए थे हमें। तो फिर हम सोचे कि यहीं पर रुक जाते हैं इन लोगों के साथ ही। अभी 12 बजे हुए, गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून नहीं होगी, 12 बजे हुए बस। अभी हमने कैब की है और अभी हम सब लोग घर पर निकल रहे हैं। है ये क्या हुआ, दिखाना जरा, काल दिखाओ, काल दिखाना। छान निशान कर दिए इसके। बाप रे बाप, ये जा रही है दुबई। कहाँ जा, रुक जाओ, मैंने बता रहा ये कहाँ जा रही है। हैं, ये सच में दुबई जा रही है। और ये आखिरी व्लॉग है तेरा मरता हमारे साथ? ना ना, आखिरी तो ना है, दुबई पहुंचेंगे हम। दुबई से पहले आएगी क्या यहाँ पे? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ तुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी सीन है, मतलब दुबई से पहले भी शायद मिल लेंगे हम लोग, पर ये दुबई जा रही है। वाह वाह वाह, अमीर हो जाएगी वहां जाते हैं, सोना वोना भेज देगी पक्का। है चल, हाँ एयरपोर्ट पे पकड़ी जाएगी, फिर जेल में मिलने आएंगे हम तुझसे सारे। इधर की लिफ्ट बढ़िया लगी मुझे तो। है देखियो, इधर की लिफ्ट बढ़िया है ना, है ना। लुक एट दिस अमेजिंग व्यू, यहीं पे दुबई वाली फीलिंग आ रही है ना यार। पूल दिखा दे मुझे। पूल देखोगे अभी? हाँ, फिर पूल वाली साइड पे चलेंगे, ठीक है। पूल में धक्का देते हैं और क्या, नहाए भी नहीं है देखो ये दोनों। वो बदतमीजी मत करे यार, मेरे को जाने ठंड लग जाएगी। पूल पे नहीं जा रही फिर? ये कह दू इसको 2 मिनट रुक जाओ भैया, 1 मिनट में आ जाए बस, बिल्कुल 1 मिनट में आ गए, बस यहीं पे जाके आ रहे हैं भैया, बस 1 मिनट में आ गए। ये देखो ये वाली सोसाइटी है तो बढ़िया, पर दिक्कत एक है ना, ये काफ़ी आउटर सी में जाके है और यहाँ पे जो बाहर का एरिया वेरियस है वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ पे, मतलब मेट्रो वेट्रो आएगी तो पूरा ये अभी बन रहा है बाहर का एरिया, तो रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ से हैं भाई। हमारी वाली देखा जाए तो हमारी वाली ही सही है यार, सोसाइटी है ना। बाकी ये भी मस्त है, देखो व्यू बड़ा मस्त लग रहा है। ये देखो गाइस, ये है कुछ पूल वूल का सीन इधर। बाकी ये मूर्ति सी है, बुद्धा बुद्धा की लग रही है मुझे तो। हाँ, इस साइड भी पूल और इस साइड भी पूल। वाह, कूद जाए यार एक बारी। गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर, सी यू। ये देखिए, ये कैमरा पे बाय होगा, रियल बाय नहीं करेगा ये, रियल इसके बाद करता हूँ ना, रियल बाय, ठीक है बाय। जाए अब निकल जा। हाँ देख, धक्के मार रही है, चल तू तो, तू क्या बाय कर रहा है, चल घर पे और चल। ओके बाय। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारी सोसाइटी में और ये तो देखो, इसकी तो बात ही अलग है, बहुत अलग। क्या ही बोले, मम्मी आज नहीं है, मम्मी गई वृंदावन भाई, ठीक है। मम्मी आज है नहीं घर पे, सुबह सुबह मम्मी 5 बजे चली गई थी और हम लोग तो वहीं पे आज रुके थे, तो फिर अब हम लोग लेट पहुंचे हैं यहाँ पर। बस पापा पापा आए हैं अभी घर पे, देखते हैं अभी पापा जाकर क्या कर रहे हैं। हेलो डैडी, नमस्ते जी। नमस्ते। मम्मा गई और क्या सुबह है, और आप क्या कर रहे थे? भाई पापा आज अकेले हैं, खुद कुछ कुछ खा लिया आपने? आज मम्मी चली गई है वृंदावन सुबह सुबह 5 बजे, मैंने बताया था तुम लोगों को, आज ही आ जाएगी, मतलब रात तक आएगी, पर मम्मी ये लगा लो बच जाएंगे, लेट हो जाएंगे काफ़ी आज सुबह जाके, आज रात को, मतलब बहुत सारी लेडीज़ गई हैं उनके साथ, बस में गई है मम्मी भी। वो मैं तुम्हें सुबह का सीन दिखा ना पाया, सुबह 5 बजे निकल गई मम्मी। बाकी अभी हम लोगों ने स्विगी से खाना ऑर्डर किया भाई, ये सबसे ज़्यादा मम्मी परेशानी हो रही है, आप चले गए और हम यहाँ पर देखना कैसे भूखे मरे जा रहे हैं सारे के सारे। यही सबसे बड़ी परेशानी होती है मम्मी के जाने के बाद, जैसे मम्मी कहीं भी चली जाए तो खाना, क्योंकि हम लोगों को बाहर का बहुत कम खाना पसंद है, मम्मी के हाथ का ही खाते हैं। फिर हम लोगों ने स्विगी से ऑर्डर किया, पापा ने डोसा किया था या आधा ही खाया बस, पापा ने आधा छोड़ दिया, बढ़िया नहीं लगा, और मैंने और नोनी ने खाए रोल। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, मैंने अभी ये मास्क बाय GHC से बियर्ड ग्रोथ किट मंगाई है। GHC का मतलब है गुड हेल्थ कंपनी। तो ये है गाइस हेयर नरिशिंग शैम्पू। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हमें बियर्ड वॉश करना बहुत जरूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे बियर्ड वाले एरिया पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन और डलनेस हो जाता है, जिससे आपकी बियर्ड ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये शैम्पू आप बियर्ड और हेयर दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी बियर्ड को नरिश रखेगा और अच्छे से क्लीन कर देगा। तो इस किट में मिलता है आपको डर्मा रोलर,
ये आपको पैची एरिया या फिर जिस एरिया पर बीड नहीं आती वहां पर यूज करना है। इस रोलर में बहुत सारी छोटी छोटी नीडल्स होती है, जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपके फेस के पोर्स को खोल देगी और आपके बीड ग्रोथ में हेल्प करेगी। ये हमें वीक में एक बार यूज करना है, यानी कि मंथ में 4 बार। साथ ही साथ हमें यहाँ मिलता है हेयर ग्रोथ ऑयल, ये आप नहाने के बाद अपने फेस या बीड पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑयल आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, डैंड्रफ और हेयर फॉल को खत्म करता है और हेयर ग्रोथ होने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ इसे यूज करने के बाद आपकी बियर्ड एकदम शाइनी दिखेगी और आप कूल दिखोगे बिल्कुल मेरी तरह। मास बाय जीएचसी के सारे प्रोडक्ट्स 100% केमिकल फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जूस निकाल लेता हूँ सबके लिए, थोड़ी जाना जाओगी घात में। तुम सोचो कि जूस कैसे निकाल रहा हूँ, हमारे पास मशीन है, रुक जाओ। ये रही, ठीक है, ये मौसमी के जूस की। लिया है, पापा को भी दे दिया है, नोनी को भी दे दिया है, गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है। इस जूस का फायदा ये है, देखो तुम इसके अंदर ना वो पल्पी से दिख रहे होंगे, ये छाना नहीं होता, तो तुम भी जब भी जूस पियो ना बिना छाने पिया करो। अब तुम बोलोगे भाई बिना छाने पियेंगे तो बीज आ जाएंगे, भाई बीज को थूक दो, ठीक है, क्योंकि छान करना तो सारी जो जूस में ताकत होती है सारी निकल जाती है भाई, तो बिना छाने पिया करो इस जूस को, ठीक है। हालत देखो तुम लोग क्या हो गई है मम्मी के बगैर। मम्मी से अभी मेरी बात हुई थी, मम्मी कह रही थी मेरे को थोड़ी खांसी हो रही है, मम्मी कह रही थी कि रात को शायद 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी तक उन्होंने बांके बिहारी जी मतलब जो मेन मंदिर है उनके दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि वहां पे पाटक बंद थे अभी तक, तो अब खुलेंगे अगर शाम में, तो उसके बाद दर्शन करके वो फिर शाम को निकलेंगे और रात को यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस फाइनली सर्दी आ गई है, मैंने यो जैकेट से पहन लिया भाई, तो मतलब सर्दी आ गई है, ये थोड़ी गर्म है और अभी मुझे इसमें भी ठंड लग रही है भाई। डे आ लिए है, अपना सारे निकाल लो सर्दिया के कपड़े कुपड़े, संदूक में जित भी ये रखे हैं तुमने, ठीक है भाई, सभी अपने कपड़े निकाल लीजिए अलमारियों से, ठीक है, और ठंड से बच के रहे। और डेंगू वेंगू भी ज़्यादा ही फैल रहा है, तो वो ओडोमोस क्रीम सी आती है वो हाथ पैरों पर लगा कर निकलो जब भी निकलो, और रात को फुली स्लीव के कपड़े पहनो। अभी मैं यहाँ पर, ये बेसमेंट है तो अभी बेसमेंट में आया हूँ, यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है, बाइक से अभी मैं बाहर जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए बाजार में। आज हमारी मम्मी नहीं है, देखो कितनी दिक्कत होती है माँ के बिना। क्या हाल है लो भाई, गर्मा गर्म रोटी, ये बनी बनाई रोटी होती है, ये रोटी बनी बनाई होती है, अच्छा बना के इनको बाद में। अच्छा मेरे को तो ये लगा जैसे बनी बनाई रोटी नहीं आती है, वो होगी उनको फुला देते होंगे। स्विगी वगैरह से ऑर्डर इसलिए नहीं किया भाई हमने, क्योंकि यहाँ पे चाप की दुकान है ये, तो ये चाप बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि चाप भी ले लेंगे इनसे और रोटी भी मिल जाएगी, तो फिर मैं यहीं आ गया, क्योंकि यहीं की चाप बढ़िया लगा है मेरे को ना। ये जिपर तो मेरा फेवरेट है भाई, सर्दियों में ना पूरा गर्म रहता है, इसको जिम में पहन लो कहीं जाना हो मतलब कैसे भी ऑल टाइम यूज कर सकते, पूरा गर्म रहता है। ये भाई शाही पनीर जो हमारी मम्मी ने बनाया था कल, और अभी बस इसी को गर्म कर लेते हैं, सब्जी हमारे पास थी तो मैं रोटी वगैरह ले आया। गाइस अपनी चैलेंज वीडियो आ चुकी है भाई, थोड़ी सी वो लेट डली, उसके लिए भाई माफ़ी यार, तुम लोग बुरा मत माना करो, ठीक है, जिसने अभी तक नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर जरूर से ज़रूर वो चैलेंज वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना भाई, मज़ा आ जाएगा। तुम लोग ने खाना रेडी कर दिया है और ये भाई साहब अब उठे हैं सुबह के जाकर, अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं रोटी और मलाई का, शाबाश लगा दे शाबाश, मजा आ गया यार, रोटी की भूख तो रोटी से मिलती है। खा लिया जी आपने खाना और क्या, कैसा लग रहा है आप मम्मी के बिना? मम्मी के बिना बस खाने की प्रॉब्लम तो होती है, हर चीज की प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह से खाया नहीं था कुछ भी, अब इसलिए रोटी सुबह से खाया क्यों नहीं था कुछ भी, डोसा नहीं खाया था, डोसा भी लेकिन बेटा घर के खाने के बिना मजा नहीं आता। तो भैया अभी हो गए हैं 11:40 और मम्मी अभी वहां से मम्मी और मतलब परिक्रमा करके आए हैं और खाना वाना खा रहे हैं वृंदावन में ही अभी तक, और अभी ये लगा लो 12 बजे तक निकल जाएंगे वो लोग, और हमें लगा था कि 11-12 बजे मम्मी पहुंच जाएगी, पर 11-12 बजे तो वो लोग चले हैं, अभी लगा लो मम्मी और तो सुबह ही पहुंच पाएंगे 4-5 बजे तक आराम से, तो फिर अभी हम लोग बस सो जाएंगे, मैं जल्दी से व्लॉग को एडिट कर लेता हूँ, अभी बस दूध पी रहा हूँ
बाकी सब ने भी पी लिया है, अभी सब सो रहे हैं भाई, आज थकावट सी हो रही है थोड़ी सी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं, चैलेंज वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो भाई, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लगी, और ऐसे ऐसे चैलेंज हम लोग लाते रहेंगे, ठीक है भाई। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, जय भोलेनाथ।